नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी। इस दौरान पीएम मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम यूपी के कैराना में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार का करेंगे प्रचार। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अमित शाह का ये राज्य का पहला दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिजनौर और गजरौला के प्रवास पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर और गजरौला के कई संगठनात्मक बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का समर्थ मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार के द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन। सभी 20 जिलों का सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर बनेगा ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश में भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान जारी, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल, आज सांसद समेत जनप्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। निहट जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। प्रदेश में पशुपालकों, गौठान और स्वयं सहायता समूह को जारी होगी राशि, करीब 4 करोड़ रुपए की राशि का जारी करेंगे भूपेश बघेल सीएम। गौधन न्याय योजना से अब तक 119.41 करोड़ का हो चुका है भुगतान। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर ने लिया बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला, स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे उत्पल, शिवसेना ने कही थी समर्थन देने की बात। मुंबई में एक 20 मंजिला बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है, हादसा मुंबई के ताड़देव इलाके में हुआ है और 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। कमला बिल्डिंग के 18वीं मंजिल पर आग लगी, ये आग लेवल 3 की है, हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। खंडवा में बड़ी मात्रा में पकड़ा गया राशन गेहूं, पीडीएस का लगभग 250 क्विंटल गेहूं जब्त। महिला मित्र से मिलने पहुंचे खनिज विभाग के डायरेक्टर, ऑस्ट्रेलियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तबियत बिगड़ने पर मित्र को किया गया था फोन, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्तर में नक्सलियों का तांडव जारी, एक दर्जन से ज्यादा वाहनों में लगाई आग, मुठभेड़ में मारे गए नक्सली साथियों के अवज में बौखलाए नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगहों पर सड़क निर्माण में लगे 1 दर्जन से भी ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया। बीजापुर में सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। चेरीगंटी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, आगजनी से पहले मजदूरों और वाहन चालकों को बंधक बनाया गया था। सुजालपुर के एनी टाइम बेकरी पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घरेलू गैस सिलेंडर समेत कई उत्पादों को जब्त कर लिया है। बता दें कि विभाग की यह कार्रवाई उत्पादों का मानकों पर ना पाए जाने को लेकर है। सुकमा में सक्रिय 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर करने वालों में नक्सलियों की सेक्शन कमांडर भी शामिल है। सरेंडर करने वालों में नक्सली महिला डिप्टी कमांडर मंजुला ने भी सरेंडर किया है। सुकमा के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने रंगराज पार्क का निरीक्षण किया है, इस दौरान उन्होंने पार्क को सुविधायुक्त और सुंदर बनाने के निर्देश सीएमओ आशीष कुमार को दिए। सुकमा कलेक्टर ने किया पार्क का निरीक्षण।
इन्होंने निर्माणाधीन मुक्ति धाम का भी निरीक्षण किया है और उसके बाद कलेक्टर विनीत नंदनवार गोठान पहुंचे और उनके द्वारा गोठान का बारीकी से पूरा निरीक्षण किया गया है। गोठान की व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुजालपुर में आज एसडीएम सत्येंद्र सिंह राशन दुकानों की जांच करने पहुंचे और राशन तौलने के कांटे पर पहले खुद का वजन तोलकर कांटे की सत्यता की जांच की और उसके बाद ग्राहकों को अपने सामने अनाज बुलवाकर दिलाया। शुजालपुर एसडीएम ने किया राशन दुकानों का निरीक्षण। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के प्रतापगढ़ स्थित राधापुर खान खरीदी केंद्र में किसानों से मजदूरी के नाम पर प्रति बोरा 5-5 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। वहीं अवैध तरीके से किसानों से पैसा लेने का वीडियो कैमरे में कैद। बेमेतरा में 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन ने परेड अभ्यास किया। इस दौरान जिले की पुलिस के साथ एनसीसी और शासकीय कन्याशाला के बच्चे भी शामिल रहे हैं, जिनमें काफी उत्साह देखने को मिला। इंदौर कमिश्नर ने स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को लेकर नए आदेश जारी किए हैं, जिससे अब वे बिना पुलिस की इजाजत के स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकेंगे और इसके साथ ही उन्हें काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देनी होगी। महासमुंद जिले में विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जिसके चलते सड़क से गुजरने वाली सभी लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही हाल ग्राम बन सिग्नी से ग्राम सोरज के लिए बनाए गए सड़क का है। सड़क पर 1 से 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जो राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। बता दें कि महासमुंद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सोरेज गांव बसा है। विभाग ने 3 वर्ष तक मरम्मत की और वर्ष 2019 में सड़क की मियाद खत्म हो गई है और अब सड़क पर जगह जगह 1 से 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं। शहडोल में 3 वर्षीय मासूम की शौचालय के लिए बने टैंक में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है। पपौंद थाने के कौड़ीपुर गांव की घटना बताई जा रही है। कांकेर में NH-30 के किनारे मिला युवती का शव मिलने से हड़कंप। तो गोविंदपुर के पास मुख्य मार्ग से करीब 100 मीटर दूर शव पड़ा मिला है। शव के 6 से 7 दिन पुराना होने की आशंका। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के भमोरी ब्रिज पर जियो के टावर पर एक मंदबुद्धि युवक चढ़ गया, जिसके बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहां से उतारा। खंडवा में एक आदतन बदमाश की गुंडई का मामला आया सामने। बदमाश ने विवाद के बाद एक घर और ऑटो में आग लगाकर उन्हें खाक कर दिया। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। जांजगीर चांपा जिले में एक अधेड़ किसान की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में एक सैलून के बगल में पड़ी मिली है। किसान की मौत कैसे कब हुई इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुट गई। किसान 20 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे प्याज का थरा बेचने वाली बाजार गया था, मगर घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने देर रात उसकी तलाश की मगर नहीं मिला। फिर सुबह उसकी लाश सैलून के पास बरामद हुई। बिलासपुर में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को जबरदस्ती उठाकर आरोपियों ने बलात्कार किया था। बिलासपुर के लाल खदान इलाके में सामूहिक बलात्कार की खौफनाक घटना घटी थी, जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। 4 आरोपियों ने जबरदस्ती क्षेत्र के सुनसान इलाके में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। 4 आरोपियों ने किया था सामूहिक बलात्कार। मुरैना में शादी समारोह में युवक की मौत हो गई है, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। अम्बा शहर के 3 स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने एक साथ चक्का जाम कर दिया। सहमति न बनने पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन, पुलिस और निजी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बता दें कि सैकड़ों युवकों ने थाने का घेराव कर पथराव कर दिया। वहीं एसडीएम अम्बा का शासकीय वाहन भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गया। इंदौर के तेजाजी नगर में गुरुवार रात निर्माणाधीन सम्मति स्कूल की छत भरभराकर गिर गई है, जिसमें यहां काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। सूचना के बाद आसपास के गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंचे और छत का मलबा हटाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला। इस हादसे में 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए और इसी बीच SDIRF की टीम रेस्क्यू कर रही थी, तभी एक व्यक्ति शराब के नशे में SDIRF की टीम के साथ बदसलूकी करने लगा।
कोरबा में सड़क हादसों के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हादसे हो रहे हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ट्रैक्टर की ठोकर से दादर चेक पर जहां अनिल महंत नामक युवक की जान चली गई है, वहीं कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम जेंजरा के पास हुए हादसे में 3 लोग काल कलवित हो गए। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को चपेट में लिया। रायसेन जिले में चल रही रेत की अवैध खदान पर खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देर रात 3 बजे 2 डंपर, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 1 लोडर पकड़ा। सभी पकड़े गए वाहनों को बरेली थाने में खड़े किए गए। डबरा में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। किराना व्यापारी के घर में घुसकर चोरों ने 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पचास साल बाद बदली अमर जवान ज्योति की जगह इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय। राहुल गांधी बोले, कुछ लोग नहीं समझ सकते देश प्रेम और बलिदान। यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा मेरे सिवाय कोई चेहरा है क्या। भर्ती विधान के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं इस यूथ घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा गया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस से यूथ मैनिफेस्टो पेश करते हुए कहा है कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनवाड़ी आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। शिक्षकों के सभी खाली पद भरेंगे। युवाओं में नशा रोकने के लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जिसका सेंटर लखनऊ में होगा और इसके 4 हब होंगे। यहां काउंसलिंग के कैंप लगेंगे। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार सवाल पूछे जाता रहा है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस सवाल पर कहा कि क्या आपको कोई और चेहरा नजर आ रहा है। राहुल ने कहा कि ये नया विजन है, भारत को नए विजन की जरूरत है, भारत को नए विजन की जरूरत है। बीजेपी के अंदर भी यदि आप पूछेंगे कि उनका विजन फेल हो रहा है, हम यूपी से नया विजन शुरू करना चाहते हैं, हम यूपी के लिए नई कल्पना लेकर आ रहे हैं। हिंदू महिला की संपत्ति में उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटी का पूरा हक होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की संपत्ति विरासत पाने में अधिकारी हैं। सीआईएसएफ ने बीसीएस कहा है कि घरेलू विमान यात्रियों को कुछ अपवादों के साथ विमान के केबिन में सिर्फ 1 हैंडबैग साथ ले जाने की होनी चाहिए इजाजत। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही। उत्तर रेलवे ने साझा की जानकारी, दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें ले। इंदौर के 2 ट्रेनों में स्थायी रूप से लगेंगे अतिरिक्त कोच। वाराणसी इंदौर एक्सप्रेस में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच 31 जनवरी से 1 सेकंड। देश में 24 घंटे के अंदर 3,47,000 कोरोना केस मिले हैं। 703 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क और एंटीवायरल की जरूरत नहीं है। कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वर्तमान में विश्व में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड मामले घट रहे हैं, एशिया में कोविड मामले बढ़े हैं। इंदौर में कोरोना के 3,159 नए मामले, 3 कोरोना मरीजों की मौत। जबलपुर में बीते 24 घंटों में 602 मरीज हुए संक्रमित, 355 मरीज डिस्चार्ज हुए, 1 की मौत। कुल बचे एक्टिव केस 3,554। मुरैना में कोरोना का हुआ विस्फोट, प्रशासन, पुलिस, शासकीय डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कैदी और ग्रामीण जन हुए संक्रमित। बीती रात आई 901 जांच रिपोर्ट में 125 कोरोना संक्रमित। बालाघाट में 44 नए मरीज की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीज भी 153। रोज बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, एक्टिव सभी मरीजों का घर पर ही हो रहा है उपचार।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,142 मामले आए सामने, वहीं 17,600 लोग डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,756 नए मामले, 17,494 रिकवरी हुई है, 38 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 48,049 नए केस, 18,000 रिकवरी और 22 मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,008 नए कोरोना के मामले सामने आए, 12,913 रिकवरी और 12 मौत दर्ज। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,154 नए केस सामने आए, 19,112 रिकवरी रेट और 35 मौत दर्ज। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 5,029 नए कोरोना के मामले, 193 रिकवरी और 7 से 8 मौतें दर्ज। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 9,655 नए केस सामने आए हैं, वहीं 9,247 रिकवरी हुई है और 12 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 29,870 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 21,684 केसेस। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,603 नए कोरोना के मामले, 4,255 रिकवरी रेट रहा है, 4 की मौत। झारखंड में कोरोना वायरस के 2,015 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। असम में कोरोना वायरस के 6,897 नए मामले सामने आए हैं, 2,979 मरीज डिस्चार्ज हुए, 15 लोगों की मौत हुई। दिल्ली की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक एक्वाई आज 342 रहा। एमबीसीजी के कई हिस्सों में बारिश के आसार, आज से 24 जनवरी तक हो सकती है बारिश। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और सागर में ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने ली करवट, शीतलहर के बाद अब बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। शीत राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह बारिश के बाद तापमान में गिरावट और ठिठुरंड बढ़ गई है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है, ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज दिनभर रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बौछारें पड़ेंगी। दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेले गए मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बना लिया है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने जा रहा है, नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा और इससे संबंधित बिल को इंडोनेशिया की संसद ने मंजूरी दे दी है। नुसंतारा ईस्ट कालिमंतन इलाके में। थाईलैंड में एक महिला के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस महिला के पैरों के नीचे धरती फट गई और उसमें वो समा गई। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कंगना के पोस्ट पर कड़ी सेंसरशिप और सिख समुदाय के खिलाफ उनके बयानों के लिए एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से मां बनी है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने सूचना दी। सलमान खान ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। एक्टर ने कोर्ट के माध्यम से केतन को मानहानि के मुकदमे में धर्म को बीच में नहीं लाने की सलाह दी। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म गहराइयां का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म में शादीशुदा दीपिका को ऑन स्क्रीन किस करते देख फैंस हैरान। आरआरआर के रिलीज डेट पर बना सस्पेंस बरकरार। आरआरआर के ऑफिशियल अकाउंट में पोस्ट कर 8 मार्च और 8 अप्रैल तक मेकर्स ने जानकारी दी है। बता दें कि आरआरआर आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म।
मुंबई में लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी है। डॉक्टर ने कहा प्रार्थना करें, लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी।